हिंदू संगठनों ने तो सिर्फ मॉल में नमाज को लेकर ही हंगामा नहीं काटा, बल्कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने आरोप यहां तक लगा दिए कि लुलु मॉल में लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। लुलु मॉल धर्म विशेष के व्यक्ति के द्वारा इसकी जो चेन चलाई जा रही है, सोशल मीडिया के जरिए लगातार ये खबरें आ रही हैं कि यह एक लव जिहाद का अड्डा है। यहाँ 80% मुस्लिम लड़कों को नौकरी पर रखा जाता है और 20% हिंदू लड़कियों को रखा जाता है। हम आपको बता दें कि 10 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद लुलु मॉल का उद्घाटन किया। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये सबसे बड़ा मॉल है। लुलु मॉल शहीद पथ से सटे 11 एकड़ में बनाया गया है। लुलु मॉल के अंदर 1600 लोग फूड कोर्ट में एक साथ बैठ सकते हैं, 50,000 लोग एक साथ शॉपिंग कर सकते हैं, 300 से अधिक इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड है, 11 स्क्रीन का सुपरप्लेक्स है, 15 रेस्टोरेंट, 25 आउटलेट का फूड कोर्ट है, एटीएम, बेबी केयर रूम, बैगेज काउंटर, कस्टमर लिफ्ट है, कार वॉशिंग, पीने का पानी, दिव्यांगों के लिए बाथरूम की व्यवस्था, 3,000 गाड़ियों की पार्किंग है। हम आपको बता दें कि लुलु एक अरबी शब्द है जिसका मतलब पर्ल यानी मोती है। लुलु ग्रुप इंटरनेशनल एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर यूएई की राजधानी अबू धाबी में है। लुलु मॉल के मालिक एमए यूसुफ अली केरल के रहने वाले हैं। लुलु ग्रुप का सालाना टर्नओवर 8 अरब डॉलर का है। भारत में लुलु ग्रुप का यह चौथा मॉल है। अभी तक इस कंपनी ने सबसे बड़ा मॉल कोच्चि में बनाया है। कोच्चि, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम के बाद लखनऊ चौथा शहर है जहां उसने सुपरमार्केट खोला है। लुलु ग्रुप ने उत्तर भारत का पहला मॉल लखनऊ में खोला। इस ग्रुप का बिजनेस मध्य पूर्व, एशिया, अमेरिका और यूरोप समेत 22 देशों में है। लुलु ग्रुप ने करीब 57,000 लोगों को रोजगार दिया हुआ है। लेकिन हिंदू संगठनों ने लुलु मॉल पर आरोप लगाए हैं कि मॉल में जानबूझकर 80% मुस्लिम लड़कों को रखा गया और 20% हिंदू लड़कियों को नौकरी दी गई। जबकि लुलु मॉल के मैनेजमेंट ने बाकायदा एक चिट्ठी जारी कर कहा है कि मॉल में 80% से ज्यादा कर्मचारी हिंदू हैं। हमारा कहना है कि जो लुलु मॉल है ये शुरू से विवादित रहा है। केरल में जिस प्रकार से इसकी छवि रही है, ये लव जिहाद का एक प्रमोट करने का एक रास्ता है। इसमें धर्म विशेष के जो 70% लड़कों की भर्ती की जाती है और 30% अन्य धर्मों की लड़कियों को रखा जाता है, जिससे लव जिहाद को बढ़ावा दिया जाए। इसकी कमाई का बड़ा हिस्सा जो चरमपंथी लोग हैं, जो गर्दन काटने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के पास जाता ही आरोप इनके पर लगता रहा है। हिंदू संगठनों ने मॉल में नमाज को लेकर जो कोहराम मचाया है, अब तक उसकी जांच में भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अभी तक की जांच में पता चला है कि मॉल में नमाज पढ़ने वाले लड़कों ने पहले ग्राउंड फ्लोर पर नमाज पढ़ने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने रोका तो ये लोग दूसरे फ्लोर के कोने में नमाज पढ़ने लगे। और ये भी पता चला कि इन लोगों ने मॉल में कुछ भी नहीं खरीदा। पूरे प्रकरण में जैसे ही घटना घटित हुई, उसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तो लुलु मॉल प्रशासन आगे बढ़ के आया और उन्होंने एक तहरीर दी कि मेरे यहाँ किसी तरह की धार्मिक एक्टिविटी की अनुमति नहीं है और इसके बावजूद इस तरह की एक्टिविटी हुई है, कृपया आप इसमें आवश्यक कार्रवाई करें। उनकी तहरीर पे एफआईआर रजिस्टर किया गया, सीसीटीवी फुटेज को भी ऑन रिकॉर्ड लिया गया और उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन जारी है। बहुत शीघ्र ही इसका पूरा पर्दाफाश किया जाएगा। अब पुलिस मॉल में लगे सीसीटीवी टावर डिटेल के सहारे नमाज पढ़ने वाले लड़कों की शिनाख्त और तलाश में जुटी है। अब लुलु मॉल विवाद में दूध का दूध और पानी का पानी उसी वक्त होगा जब नमाज पढ़ने वाले लोगों की गिरफ्तारी होगी और ये भी समझ में आ जाएगा कि क्या वाकई मॉल में नमाज पढ़ने के पीछे बड़ी साजिश है, क्या मॉल में जानबूझकर विवाद पैदा करने के लिए नमाज पढ़ी गई और नमाज के खिलाफ हिंदू संगठनों का विरोध कितना जायज है। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।